तो ब्रह्मा जी वर्णन करने के बाद सभी अवतारों का, सभी तो नहीं, सभी तो कोई कर नहीं सकता, इसी श्लोक में बताया गया। कुछ अवतारों का वर्णन करने के बाद, क्योंकि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछा था, पहले तो आके नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु आप ही तो परम है ना, मैं तो आप ही को देखा हूं सब कुछ करते हुए। तो ब्रह्मा जी भक्त है, ईमानदार है, भक्त ट्रूथफुल होता है, सत्यवादी होता है। तो ब्रह्मा जी ये नहीं बोल दिया नारद मुनि को, हाँ मैं ही तो हूं बेटा, मैं ही परम, बिल्कुल सही पहचाना, जाओ अपने भाइयों को प्रचार करो। नारद मुनि जानते हैं कौन है भगवान, ये तो ब्रह्मा जी के मुख से निकलवाना चाहते। तो फिर ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने बताना प्रारंभ किया भगवान की, भगवान के दिव्य कर्म, भगवान का जन्म, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन। तो फिर ब्रह्मा जी ने अलग अलग अवतारों का वर्णन किया और उसके बाद कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, देखिए भगवान और भक्तों की वाणी देखिए, जैसे भगवान कहते हैं कि मेरी शरण लो, तो महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं, कहते हैं कृष्ण की शरण लो, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण की शरण। यह होता है एकता, यूनियन। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक होने का मतलब है कॉन्शियसनेस में एक होना। कृष्ण कॉन्शियस जो है, कृष्ण की तो कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियस, हम जो है वो भी कृष्ण कॉन्शियस ही बन रहे, तो कॉन्शियसनेस जो होती है वो मर्ज होती है, एक हो जाती। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, भारत में इतने सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन सब में एक रहता है कि हम सब भारतीय हैं, एकत्रित हो, इसका मतलब है नहीं कि अब भारत की पॉपुलेशन है एक। अगर हम बोलते हैं परिवार एक है, तो इसका मतलब नहीं कि परिवार एक ही सदस्य है परिवार, परिवार एक है मतलब यूनिटी है। यूनिटी का मतलब लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब एक ही मनोधारणा के, एक ही चेतना के, everyone is on the same page। तो वैसे ही भगवान और भगवान के भक्तों की चेतना सेम होती है। तो भगवान भी गीता में वर्णन करते हैं अपने ऐश्वर्य का, और फिर कहते हैं अर्जुन मैं तुमको क्या बताऊं, एक अंश न स्थितो जगत, ये तो सब पूरा जगत मेरे एक अंश पे स्थित है और मैं तुमको क्या बताऊं, समझ जाओ। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं, बताने के बाद बोलते क्या बताऊं नारद तुमको, तुमसे पहले कोई नहीं समझ पाया इसको, मैं नहीं समझ पाया, अरे तुम और मैं छोड़ दो, भगवान अनंत शेष नहीं समझ पा रहे हैं भगवान को, तो फिर क्या। प्रभुपाद तो कहते हैं भगवान कृष्ण भी अपने को नहीं समझ सकते, भगवान कृष्ण भी अपने आप को जान नहीं सकते। तो हम कैसे जानें, हम तो ये भी नहीं जान सकते कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। हमारे भक्त लोग बेचारे लगे रहते हैं, इंटरनेट स्लो हो जाता है तो टेक्नोलॉजी रुक जाती है, भगवान को जानना बहुत दूर। भगवान को जानने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करें। शास्त्र में तो कहा है भगवान को जान, यस भगवान को जानो, लेकिन भगवान ये मत सोचो कि हम भगवान को पूरा जान लेंगे, थोड़ा जानो भगवान को उतना सफिशिएंट है, भगवान की सेवा करके सेवा करो। एक बच्चे के लिए उतना ही सफिशिएंट होता है कि उसका पिता जो है उसको पाल रहा है, उसकी सारी इच्छाएं पूरा कर रहा है, उसको जितने खिलौने चॉकलेट चाहिए ला के दे रहा है, वो अपने पिता के प्रति सरेंडर हो जाना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए पिताजी आप क्या ये कहाँ से पैसा ला रहे हो, चोरी चोरी तो नहीं कर रहे हो, डकैती तो नहीं डाल रहे हो, या बड़ा बिजनेस है आपका, कितना कमाते हो, बैंक बैलेंस, वो जानने की जरूरत नहीं है।
तो ऐसे ही जो भक्त है, जो साधक है, उनको इतना जानना चाहिए कि कृष्ण ने इतना दिया है, कृष्ण के पास कितना है वो जानने की कोशिश मत करो। कृष्ण ने आपको सब दिया है, पूर्ण। कृष्ण भी पूर्ण है, आप भी पूर्ण हो, आपको जो दिया है सब पूर्ण है। इसलिए सेवा, क्योंकि भगवान को न भगवान समझ सकते हैं न अनंत शेष समझ पा रहे हैं, हम कैसे पूरा समझे। हम यहाँ पे बैठे जितनी देर में लेक्चर देंगे, इतनी देर में भगवान ने अनगिनत लीलाएं इस भौतिक संसार में ही कर ली होंगी, आध्यात्मिक संसार तो छोड़। कितने ब्रह्मांड हैं इस भौतिक संसार में उसका कोई हिसाब किताब गिनती नहीं, और हर ब्रह्मांड में कुछ न कुछ लीला चल रही है। कृष्ण व्यक्त लीला, प्रकट लीला, अप्रकट लीला तो फिर यहां पे भी चल रही, प्रकट लीला चल रही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसे समंदर में लहरें उठती हैं कोई गिन नहीं सकता, ऐसे ही भगवान के इतने अवतार कोई गिन नहीं सकता। एक भक्त आया, बोलता है प्रभु जी भागवतम को भागवतम को मैं पढ़ता हूं ना, याद नहीं रहता। भागवतम याद नहीं रहता तो फिर मैं जब फिर फायदा क्या पढ़ने। मैंने कहा देखो भगवान कृष्ण ही भागवत के रूप में प्रकट हुए, भागवत अनंत है। तो जब भी आप भागवतम पढ़ो, ये हमारा परेशानी होता है क्योंकि हमारे मटेरियल एजुकेशन में हमको ये सिखाया गया कि पढ़ो। कल मुझसे एक भक्त पूछ रहे थे, एक भक्त से बात हो रहा था, मैं बोला ये कितना स्ट्रक्चर्ड, ये वो कौन करता है, ऐसी सेवा करेंगे। बोले अरे तुम तो MBA हो, तुम तो ये सब पढ़ा होगा, ये क्या है तुम्हारे लिए बड़ा चीज। मैं बोला पढ़े थे सिर्फ पास होने के, थोड़े ना वो समझने वाली चीज। तो मटेरियल एजुकेशन हम अच्छा है नहीं समझे तो सिर्फ पढ़ने के लिए पास हो जाए या पास होने के लिए पढ़े, और लेकिन वही चेतना को हम भागवत में लेके आते हैं जब हम इस्कॉन में जुड़ते हैं तो, क्योंकि कंडीशनिंग जो हमारी है वो तो सेम आ रही है ना। गीता पढ़ना है, मैं पूरा गीता पढ़ना चाहता हूँ। अरे पूरा गीता आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, आप क्या पढ़ो। पूरा गीता क्या है किसी को पता ही नहीं, देखो कृष्णा इज इक्वल टू गीता एंड कृष्णा इज अनलिमिटेड, सो गीता बिकॉज कृष्णा इज इक्वल टू गीता तो गीता अनलिमिटेड हो, तो अनलिमिटेड को आप कैसे पूरा कर लोगे। कृष्णा इज भागवतम, कृष्णा इज अनलिमिटेड, नोबडी कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता, तो भागवतम अनलिमिटेड उसको भी कोई नहीं समझ, आप कैसे पढ़ लोगे। तो जी मेरा गीता हो गया, आपका गीता हो गया ना, अभी भगवत गीता, अभी भगवान का गीता पढ़ो। आपका हो गया गीता, चलो अभी बंद करो ये सब, भगवान का गीता। तो जी 4 बार फिर गीता पढ़ के हो गया, 2 बार भागवतम पढ़ के हो गया, 3 बार चैतन्य चैतामृत पढ़ के हो गया, तो बस हो गया। अभी क्या करना, अभी क्या पढ़ो, अभी बैठ के जप करो, बैठ के जप करो 300 माला रोज जप। 300 माला हरिदास ठाकुर तो 192 किए, क्यों हरिदास ठाकुर ने बोला नहीं ना कि मैंने पूरा पढ़ लिया, आपने बोल दिया तो आप ज्यादा करोगे। अब 300 माला जप करो, नाम में रुचि आ नहीं रही, भागवत कैसे पढ़ लिया आपने। अरे ये भागवतम कोई भौतिक पुस्तक नहीं है ना, पता नहीं यहाँ या कहीं पे एक बार हम बता रहे थे ना अभी पिछले हफ्ते कि भगवद गीता आप एक श्लोक उठाओ या भागवतम एक श्लोक उठाओ। अभी देखो मैं इसी श्लोक पे क्लास दे रहा हूँ, आप मुझे 2 दिन बाद बोलोगे प्रोजी यही श्लोक पे क्लास दो, कुछ और निकलेगा क्योंकि कुछ और रिवील होता है।
आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में यही फर्क है। भौतिक ज्ञान को आपको एक्वायर करना पड़ता है, आध्यात्मिक ज्ञान रिवील होता है, आपको गुरु और कृष्ण की कृपा से रिवील होता है। और जैसे पत्ता गोभी होती है ना, उसके अलग अलग लेयर होते हैं, एक खोलो फिर अंदर पत्ता गोभी, फिर खोलो फिर, ऐसे अनलिमिटेड लेयर्स। तो मैं बोला उस भक्त को भागवतम याद करने की चीज नहीं, आप श्लोक याद करो, हुआ तो हुआ, लेकिन कुछ ये याद करने का नहीं है, ये भगवान है, इनको अप्रोच करो सेवा करने के भाव से। जब गीता पढ़ने बैठो, भागवत पढ़ने बैठो, तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा है, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि ग्रंथ पढ़ो, तो मैं ग्रंथ पढ़ना चाहता हूं। वो पढ़ने की बात। तो भगवान को कैसे अप्रोच करें भागवतम के रूप में, कि मैं सेवा करना चाहता हूं, और पढ़ना एक सेवा है, सेवा मतलब भक्ति, और भक्ति के नौ अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम, तो ये श्रवणम है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि आंखों से श्रवण करते हैं हम भागवत का और गीता का, पुस्तक पढ़ना मतलब आंखों से श्रवण करना। तो ये श्रवण है, भक्ति का एक अंग है। तो आप भागवतम को अप्रोच करेंगे उसको समझने के लिए नहीं चलेगा, आप पढ़ने के लिए। जैसे जब भी हम करें माला, हम जब करें तो ये हमारा भाव नहीं होना चाहिए फिनिश कर दो, तो फिर 16 माला हो जाएगा, लेकिन जब हमारा अप्रोच होना चाहिए कि मैं जो है नाम प्रभु की सेवा करूं, गुरु के कहे अनुसार मुझे नाम जप करना, मैं नाम प्रभु का सेवा करने का प्रयास करूं। सेवा तो क्या करेंगे, सेवा करने का प्रयास। और किसी की भी आप सेवा करो तो ध्यान पूर्वक की होती है ना, ऐसा तो आप किसी सीनियर की सेवा कर रहे हो और मान लीजिए भगवान आ गए आपके घर में, राधा राज प्यारी आए हैं, आप उनको सेवा कर रहे हो, वो क्या मैं सेवा करूं? बोले जो बनाया है खिलाओ, भूख लगी है, जुहू से चल के आ रहे हैं गोरेगांव तक, पैदल चल के आ, भगवान तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लेंगे, चलते चलते भूख लग गई, ठाकुर जी उनको भूख लग जाती है, तो भक्तों के हाथ से खाना चाहते हैं, तो पहुंच गए गोकुल धाम, तो खिला बैठाया आपने, और फिर किचन में आप चले गए जल्दी कुछ लेके आ गए, सब्जी दाल जो भी बनाया था आपने रखा, फिर सोचा कि कम से कम भगवान को गर्म गर्म चपाती खिलाई जाए, तो आटा लगाया, एक एक चपाती राधा रानी को, एक कृष्ण को, एक एक चपाती। अब आपके मित्र का फोन आ गया, हाँ हरे कृष्ण, हरे मैं बताता हूँ तुमको क्या हुआ आज हमारे घर, हमारे घर में कौन बैठा है ड्राइंग रूम पता है, राधा राज बिहारी, और उधर राज बिहारी बैठे आएगा कि हो गया हाथ धो ले, आप फोन पे लग गए, प्रभु हाँ एक मिनट आया, अरे प्रभु चपाती, अरे आया हूँ एक रुको यार, इतना आए हो तो बैठो आराम से टीवी देखो थोड़ा। यही तो हम नाम प्रभु के साथ करते, अभी आपको मजाक लग रहा है, अभी आपको लग रहा है ऐसे कैसे मैं करूंगा, लेकिन यही तो नाम के रूप में कर रहे हैं ना, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है कि हरिनाम जो है ये राधा कृष्ण है। इसीलिए महाराज बार बार रिपीट करते हैं ध्यान पूर्वक ध्यान पूर्वक ध्यान पूर्वक, क्या आप ऐसा करोगे, चलो हाँ ठीक है ठीक है, अरे एक मिनट फोन होल्ड कर, बार बार चपाती चपाती चपाती,
ऐसा फोन पकड़ के टपर ट्रोलिंग कर रहे हैं। हाँ और क्या चल रहा है तुम्हारे मोहल्ले में, अरे घर में कौन आया, कोई नहीं आया, अरे ऐसा कैसा, ठीक है लॉकडाउन है क्या कर सकते, तो चपाती रोलिंग कर दी, घी लगा रहे, घी की जगह तेल लगा दिया, नारियल तेल लगा दिया, डालडा लगा दिया, और ऐसा फोन पकड़ते पकड़ते ऐसा भगवान को आप चपाती भेजो, लेकिन एक ही चपाती लाए हो, दोनों बैठे हैं, चलो आधा आधा करते, अब फोन चालू है, ऐसे ही करते ना, यही तो हम और क्या करते। फिर आपसे पूछते हैं प्रभु जी मेरे को भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो, क्या करेंगे भगवान तुमको दर्शन दे, आपने इंसल्ट करवाएंगे आपके हाथों से, उसमें आपको अपराध लगेगा, नाम के रूप में भगवद गीता भागवतम के रूप में साधु के रूप में तो भगवान का सेवा हो नहीं रहा, भगवान जब स्वयं अपने साक्षात रूप में आ जाएंगे तो क्या करोगे आप, कौन सा बड़ा तीर मार लो। तो वही भगवान नाम के रूप में आए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 16 माला जप कर दूं, वो बात अलग है हम 16 के आगे बढ़ता है नहीं हमारा बात, लेकिन कम से कम वो 16 माला करते वक्त तो ये सोचे कि नाम प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे इतना शक्ति इतना सामर्थ्य दिया है, मुझे आज्ञा दी है, मुझे परमिशन दिया है कि तुम नाम प्रभु का सेवा कर सको, आप समझ रहे दीक्षा का मतलब क्या होता है। गुरु आपको जब माला दे रहे हैं मंत्र दे रहे हैं तो डायरेक्ट आपको कृष्ण की सेवा में लगा, मजाक नहीं है, दीक्षा का मतलब यही होता है। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए, हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पा रहे नो प्रॉब्लम, प्रयास तो करो, कम से कम चेतना तो ऐसे बनाओ कि मैं अभी यहाँ पे नाम प्रभु का सेवा करना चाहता बिना डिस्ट्रक्शन, वही भाव है भागवतम पढ़ने और गीता पढ़ने। तो मैं उस भक्त को बोला देखो भाई तुम भागवतम को अप्रोच मत करो, भागवतम पढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के, अरे मुझे आज आपको लेक्चर देना है आप पढ़ रहे हो, वो भी उस मूड से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेक्चर में जो आप बैठते हो और बोलना चालू करते हो वो तो ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान की कक्षा नहीं है, ये भक्ति है, भक्ति और ज्ञान में फर्क। आप भागवतम को अप्रोच करते हो मुझे यहाँ से पॉइंट चाहिए यहाँ से पॉइंट चाहिए यहाँ से पॉइंट चाहिए, सारे पॉइंट में लिख लूंगा उसको प्रिंट आउट ले लूंगा और जाके क्लास में बोल दूंगा और दिखा दूंगा दुनिया को। एक भक्त हैं वो कह रहे थे देखना कल मैं भागवतम दूंगा, आए थे यहाँ से बाहर से है तो बहुत सालों से इस्कॉन में, तो वरिष्ठ भक्तों की गिनती में आ जाती है उनकी गिनती, लेकिन मैं हैरान हो गया। इसीलिए वरिष्ठ कौन है वो जितना भक्ति, तो कुछ लोग ऐसे कह देते हैं वो कहते हैं देखना मैं कल क्लास दूंगा सबकी आंखों में आंसू आ जाएगा, रुला दूंगा सबको ऐसा क्लास दूंगा, तो खुद ही रोए थे इमोशनल क्लास देकर, बाकी तो हंस रहे क्योंकि तो आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, इस नॉट कि मैं करके दिखाऊंगा, इस नॉट कि मैं ऐसा क्लास दूंगा देखना सब देखते रह जाएंगे मेरी क्लास सुनने के लिए आएंगे, ये ज्ञानी लोग का काम है, ये भक्तों का नहीं है काम, ये भक्तों का भाषा नहीं है, ये ज्ञानियों का भाषा है, अहंकार की भाषा है जो ज्ञानी के पास होता है, भक्त के पास अहंकार नहीं है। तो आप अप्रोच ही भागवतम को गलत है, आप रही बात याद करने की तो सिंपल सा उदाहरण है, 25 साल का लड़का है, मैंने पूछा तुमने 25 साल में कितनी बार ब्रेकफास्ट किया, बोले बहुत बार किया, कितनी बार लंच किया बहुत बार किया, कितनी बार डिनर किया बहुत बार किया, चलो बताओ क्या क्या खाया बहुत बार, अरे तुमको इतना याद नहीं तुम क्या खाया है, लेकिन तुम्हारा शरीर को पोषण मिला कि नहीं मिला ना प्रभु,
तो वैसे भागवतम आत्मा को पोषण देने के लिए, आइडियली तो हमें जो है भागवतम का, तो भगवान अपनी कृपा से आत्मा का पोषण करते हैं। तो भागवतम को या गीता को अप्रोच कैसे करना है? गुरु को पहले ध्यान करके, स्मरण करके कि आपकी कृपा से मैं ये तो गीता खोलने जा रहा हूं, मैं तो मेरा अधिकार यह भी नहीं कि गीता को छू सकूं, तो आपकी कृपा से तो मैं गीता भागवतम को प्रारंभ करने जा रहा हूं, पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूं, तो आप कृपा दीजिए। अब देखे नी सुखदेव गोस्वामी कैसे अपने गुरु को सुत गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, सरस्वती जी को याद कर रहे, व्यासदेव को याद कर। तो ये आप अपना गुरु को, सिर्फ प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिल रहा है, सुखदेव गोस्वामी को, सुत गोस्वामी को, व्यासदेव भगवान कृष्ण के चरणों में स्मरण करते हुए फिर हम भागवतम पढ़ना चालू करें। और ये सबके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, अभी मैं सोची प्रो जी टाइम बीत जाएगा, अरे टाइम यही तो हमारा कैलकुलेशन मटेरियल हो जाता। अगर आप मंगला चरण में आधा घंटा लगा दिया और उसके बाद आधा घंटा भी भागवतम पढ़ा तो भी सक्सेस है। मंगला चरण आधा घंटा तो नहीं जाता है ना, दो श्लोक तो बोला सुत गोस्वामी, तो कुछ नहीं तो कम से कम जो हमारा मंगलाचरण स्टैंडर्ड है वही पढ़ लो पूरा। और जिस जिस के बारे में आप जप कर रहे हो उसको याद करो, जैसे हम बोलते हैं ओम ज्ञान अतिमेर अंदर से ज्ञान अंजन, तो गुरु को याद करो। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम्, तो रूप गोस्वामी को याद करो। फिर वंदे हम श्री गुरु, तो सारे गुरुओं को याद करो, पूरी परंपरा को याद करो, चेतना में आना, इमेजेस आने चाहिए उनके आपकी चेतना, तब तो मंगलाचरण है ना। नहीं तो मंगलाचरण क्या है, तो सिर्फ दिखावा है कि देखो मैं संस्कृत बोल सकता हूँ। मंगलाचरण करते हो तो पूरा चेतना उनकी इमेजेस आनी चाहिए, जिस जिस पर्सनैलिटी का आप नाम लेते हैं, क्योंकि वो आपको आके कृपा देते हैं। छह गोस्वामी का नाम आता है, पंचतत्वों का नाम आता है, राधा कृष्ण ललिता विशाखा का नाम आता है, फिर प्रभुपाद का पूरा प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर महाप्रभु का बोलते हैं, फिर राधा रानी कृष्ण का बोलते हैं, फिर राधा रानी का बोलते हैं, फिर वैष्णव का बोलते हैं, फिर पंचतत्व का बोलते हैं, फिर राधा कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के थ्रू। तो ये पूरा मंगलाचरण आपका कॉन्शियसनेस बाहरी चेतना से कटने के लिए आपको ये बनाया गया। वो आशीर्वाद देते हैं, जब हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं तो भगवान कृष्ण के चरणों पर आपका ध्यान जाना चाहिए, तब तो मंगलाचरण सक्सेस होगा। तब आप जब व्यास आसन पे बैठ के मंगलाचरण बोलने के बाद कुछ बोलोगे ना, तब उनकी शक्ति से बोलोगे। तो बोलने के लिए शक्ति चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं चाहिए। पढ़ते वक्त तो ये चेतना है, देखो मैं ये पॉइंट बोल दूंगा और सबको हिला के, तो उधर शक्ति नहीं मिलेगी। और मिल भी गया तो भौतिकी करोगे, कोई प्रभावित नहीं होगा आपके लिए। और प्रभावित करने के लिए हम लेक्चर बोल भी नहीं, हम बोल रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, हम बोल रहे हैं अपनी सेवा करके, कीर्तन है ये एक सेवा। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद मुनि को, जब तुमसे पहले नहीं समझ पाए जो लोग तुमसे पहले पैदा हुए अग्रज, तो तुम्हारे बाद वाले तो भूल जाओ, कह रहे हैं ना, ना तो मैं और ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं, अतः जो तुम्हारे बाद उत्पन्न हुए हैं उनके विषय में क्या जानेंगे, उनके बारे में भूल जाओ, हम लोग का तो गॉन केस है। हम ये तो प्रभुपाद जी का चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो गया, नहीं तो अधिकार नहीं दिया गया हमको। ब्रह्मा जी बोले नहीं जान पा, भागवत का वचन। तो आपने देखा होगा प्रभुपाद जी काफी बार लिखते हैं, दिस नॉलेज इज गिवन इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं बोले, रिवील्ड क्यों वर्ड यूज करें, क्योंकि स्क्रिप्चर्स रिवील्ड होते। व्यासदेव जी भगवान के सत्यावेश अवतार है, नारद मुनि भी सत्यावेश अवतार, लेकिन जब तक नारद मुनि की कृपा नहीं मिली व्यासदेव को,
उन्होंने नहीं लिखा भाग, तो गुरु का कृपा के बिना कुछ नहीं। तो मंगलाचरण करने के बाद आप भागवतम को अप्रोच करो, पढ़ने का प्रयास करो, भगवान को समझने का प्रयास कि प्रभु मैं इन शब्दों के द्वारा, ये शब्द जो प्रभुपाद के हैं, जो जो पूरी गुरु परंपरा के हैं, जो भगवान के हैं, इन शब्दों के द्वारा पढ़ के आपका कुछ सेवा करना चाहिए। तब प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप गीता भागवत पढ़ के भगवान को समझने का प्रयास करोगे तब भगवान कृपा करेंगे और आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? ये समझ में आएगा कि भगवान को आप नहीं समझ सकते, यही भगवान को समझना है, क्योंकि अनंत को लिमिट नहीं कर सकते। जो अनंत है उसका कोई अंत नहीं, तो आप पूरा समझ ही नहीं। जब भगवान कृष्ण स्वयं नहीं समझ सकते, आप क्या समझेंगे हम दूसरों की? तो बात कुछ, कृष्ण भगवान जब द्वारका में थे तो अपने महल में खड़े थे और पिलर को देख लिया, और भगवान का महल है तो जो पिलर है, जो खंबा है, रत्नों से जड़ा है, दिव्य रत्नों से, भगवान की अपनी छवि दिखी उनको, तो भगवान थोड़ा मन सफका गए, कौन है इतना सुंदर व्यक्ति, कौन है, मेरा मन मोह लिया, कौन है इतना सुंदर, खुद ही को बोल रहे हैं। तो भगवान भी अपने आप को नहीं जान, महाप्रभु के रूप में आने का एक कारण ये भी है ना कि भगवान मुझे, मैं तो भोक्ता हूं ना, मैं तो गीता में बोलता हूँ भोक्ता राम यज्ञ तपसा, कि भोक्ता मैं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूँ श्रीमती राधा रानी को, इनको ज्यादा आनंद आता है, मुझसे ज्यादा आनंद आता है इनको मेरे साथ, जितना मुझे नहीं आता, तो क्या है ऐसा? तो महाप्रभु के रूप में आते हैं जानने के लिए, आस्वादन करने अपने रस। जब वो एक पीपल के पत्ते के ऊपर, पीपल का पत्ता है ना जिसे भगवान लेटे हुए थे, और अपना अंगूठा चूस रहे थे मुंह, जो मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया, तो क्यों कर रहे थे? तो भगवान बोले कि मैंने सुना है कि मेरे चरणों में बहुत मिठास है, भक्त लोग इतना गुणगान करते, देखो तो सही क्या मिठास है। तो अपना अंगूठा अपने मुंह में डाल के और वो टेस्ट कर रहे हैं, यानी भगवान भी अपने आप को नहीं जान और आज तक नहीं जान पाए, तो हम कैसे जान। इसीलिए भगवान को जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करना, जान के नहीं हो, क्योंकि जान तो वैसे ही नहीं पाएंगे, अनलिमिटेड, वो इम्पॉसिबल टास्क, शायद इम्पॉसिबल भी कभी पॉसिबल हो जाए, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपना रियलिटी को बता रहे हैं, अपने रियलाइजेशन को बता रहे हैं कि भैया देखो नारद, तुम जान सकते ना, मैं जान सकता हूँ ना, आनंद से जान सकते, दूसरों को क्या क्या। आनंद से भगवान के पहले अवतार, भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते, वो भगवान की सेवा और भक्ति में लगे रहते हैं और उससे उनको जो आनंद की अनुभूति होती है उसका आस्वादन करते हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी, और वो आस्वादन कृष्ण कर नहीं पाते। इसीलिए भोक्ता बनने में नुकसान है और सिर्फ भगवान ही कर सकते। भोक्ता बनने में आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप बांट रहे हो और सब लोग आनंद ले रहे हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण को भी महाप्रभु बन के आना पड़ा। तो जो भक्त बनने में आनंद है वो ज्यादा आनंद, और बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान बनने का प्रयास न करें, भक्त जल्दी बन जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि भगवान जो अनलिमिटेड है, जिनको कोई नहीं जान सकता, हम उनको नाम के रूप में या भागवत के रूप में कैसे जाने। भागवत पढ़िए, इस भाव से पढ़िए कि गुरु और कृष्ण की कृपा से मैं ये भागवत पढ़ लिया,
फिर आप तो भागवतम आपको भी, और आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, भागवत का कोई भी श्लोक उठाइए, गीता का कोई भी श्लोक उठाइए, एक श्लोक पढ़िए अच्छे से, बड़ा ध्यान पूर्वक फ्रेश मूड से बैठिए, श्लोक पढ़िए, शब्दार्थ पढ़िए, उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लिया, अब एक बार फिर पढ़, पहली बार कुछ समझ में आया, दूसरी बार कुछ और समझ में आएगा, तीन चार बार पढ़, अब वो क्या हो गया, अनुवाद तो आपको बाय हार्ट भी हो जाएगा, तब याद हो जाएगा वर्ड टू वर्ड वर्बेटिम, और आपको कुछ समझ में आएगा। अब एक हफ्ते बाद वापस उसी श्लोक पे आइए, पूरा समझ गए थे ना श्लोक को, श्लोक समझ गए, यस प्रभु जी पूरा समझ गए, अब एक हफ्ता छोड़ दीजिए और अपना दूसरा सेवा रीडिंग हियरिंग करते रहे, और इस श्लोक पे वापस आइए एक हफ्ते बाद, ये करना चाहिए, इन एक्सपेरिमेंट से आपको पता पड़ेगा कि हम क्या है और भगवान क्या है और गीता क्या है। एक हफ्ते बाद वापस आइए, आप पढ़ेंगे फिर कुछ नया ही लिखेगा उसमें, क्योंकि गीता भागवत ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ है ये जीवंत है, ये लिविंग है, ये डेड मैटर नहीं, तो इसीलिए ये रिवील करते रहते हैं अपने आप को, और हमको नया नया रियलाइजेशन होते हैं। सच्ची सुक्त अष्टकम में है ना एक लाइन आता है, नव नव रस, भगवान चैतन्य महाप्रभु नए नए रसों का आस्वादन कर रहे हैं, नया रस किधर से आए, आप बार बार चैंटिंग करो आपके रस बदलते जाएंगे, नया नया आस्वादन करो, आप बार बार रीडिंग करो नया नया आस्वादन, और जब आप पहुंच जाओगे उस स्थिति पे कि भगवान की कोई भी सेवा करने में आप आस्वादन कर पा रहे हो, तो समझ जाइए कि आप निष्ठा भक्ति पे पहुंच गए, क्योंकि उसके बाद ही रुचि आती, कुछ भी सेवा कर रहे आस्वादन कर रहे, यू आर रिलिशिंग दैट सर्विस, चाहे पोछा मारना होगा या भगवान का श्रृंगार करना होगा, नाम जप करना होगा या ग्रंथ पढ़ना होगा या क्लास देना होगा, तो रिलिश कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या है, अभी हम ऐसे ड्यूटी कर साधना भक्ति, फिर जब रिलिश करेंगे तब रागनों का, तो तब तक हमको प्रयास करते रहना पड़ेगा, वो दिन आएगा। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं इसके बारे में, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी के उदाहरण, इसलिए तो एनालॉजी पे प्रभुपाद के बुक्स बनी हुई है, बुक्स मतलब अलग अलग निकाला गया है गीता और भागवत। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हरा आम और पका हुआ, कच्चा आम पका आम, तो बोले आज ये आम कच्चा है पेड़ पे लटका हुआ, लेकिन अगर वो पेड़ पे लटका रहेगा तो पक जाएगा, अगर पेड़ से अलग हो गया तो कच्चा ही रह जाएगा। तो हम अभी कच्चे आम हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं आम तो आम है ना, तो एक प्रॉपर डिसाइपल कहते हैं कि हम जब भक्ति में आते हैं तो कभी कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसा भक्त है, ये तो ऐसा भक्त है, ये कैसा कैसा भक्त है, लेकिन भक्त तो बोल रहे हैं, भक्त तो है, इसी में खुश हो जाओ भाई, एक दिन हम बन जाएंगे, तो कच्चा आम ही सही, अरे तो बहुत कच्चा है, तो पेड़ पे लगा रहने दो, क्योंकि उसको जूस मिलता रहेगा पेड़ से, और आम तो आम है ना, तो वो आम जो है कच्चा वो पक्का हो जाएगा, लेकिन वो पेड़ से कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, अब कच्चा आम तोड़ के रख दो नहीं पकेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम जो साधना भक्ति है वो कच्चा आम, रागनों का भक्ति है वो पक्का हुआ, उसमें मिठास बढ़ जाती। तो आप जो हैं, हम सब जो हैं, हमको लगे रहना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य बोल सकते हैं एक हिसाब से, नेक्स्ट स्टेप टारगेट, ये आस्वादन कैसे, लेकिन जल्दीबाजी करने वाला आदमी मुंह के बल गिरता, बोलते ना पहला कदम रखने से पहले दूसरा कदम उठाएगा तो फिर आपकी नाक चपटी हो जाएगी, चीनी नाक हो जाएगी, गिरेगा मुंह के बल तो चपट जाएगा पूरा नाक, इसलिए हड़बड़ नहीं करना, जल्दी करना है, जल्दी बाजी नहीं करना,
कई मतलब प्रभु जी अभी तक वो जो आपने कहा ना आस्वादन, में 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ, आस्वादन हो नहीं रहा है, नाम में ग्रंथ सेवा आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे बेटा जिस चीज के लिए मुनि लोग लगे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लगे हुए जन्मों जन्मों के लिए, तो 3 दिन में कर लेगा? ये क्या गीता में डीजी क्रैश कोर्स है क्या? 3 दिन में आस्वादन कर लेगा? लगे रहो, उत्साह से लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, इसीलिए निश्चयता का जरूरत है, और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है तो धैर्य की आवश्यकता है। ये अपोजिट क्वालिटी है, आपने देखा उत्साह निश्चय धैर्य जो रूप गोस्वामी के अपोजिट क्वालिटी है। तो धैर्य बोल रहे हो तो उत्साह कैसे आएगा? धैर्य तो हमको लगता है धैर्य मतलब ठीक है बस बैठ जा, नहीं काम करो, बहुत काम मतलब कर्म करो, भक्ति के भक्ति कर्म करो। भगवान बोलते हैं ना 11वें अध्याय 55 नंबर श्लोक, मत कर्मो, मेरे लिए कर्म करो, करते रहो करते रहो करते रहो। अरे सैलरी कब मिलेगा? मिलेगा, लगे रहो, मिलेगा जरूर। अभी फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहा है, बाद में कैश भी मिलेगा, लगे रहो। वो व्यक्ति को भगवान देते, नहीं तो भगवान को हम समझते। हमने आज देखा इस श्लोक में कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं समझ सकते, तो कैसे अप्रोच करें हरिनाम को, कैसे अप्रोच करें भागवतम को, वो थोड़ा हमने चर्चा किया। और प्रयास वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते जल्दी 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 करना, जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहता है। जैसे आप खाना लिए, प्रसाद लिए, हाँ आपने सोचा कि होता है ना कभी कभी जल्दी जल्दी खा के जाएंगे, तो एक चपाती का दो टुकड़ा किया, ऐसे आधा पकड़ा, ऐसे सब्जी भरा अंदर, फिर वो पचेगा नहीं, अंदर तकलीफ हो जाए, अंदर तकलीफ हो जाए, तो घाई नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना। अरे प्रभु जी ये कितने जन्मों निकल गए भगवान से विरह में, अब और नहीं विरह होता, तो विरह को जिस दिन महसूस करोगे तुम शुद्ध भक्त बन चुके हो। अभी भगवान से विरह का बात तो करो ही, विरह भक्ति तो सर्वोच्च भक्ति, विरह का जो रस है वो तो संभोग से भी ऊंचा है। आप करो, लगे रहो ये सोच के कि इसी जीवन में प्राप्त करना, लेकिन धैर्य भी रखना। ध्रुव महाराज लगे रहे भक्ति में, लेकिन ये नहीं टारगेट रखे थे कि 6 महीने भगवान मिलने चाहिए, तो लगे हुए हैं। नारद मुनि बोले करते रहो, भगवान कृपा करें। शबरी लगी रही 10,000 साल, भगवान कृपा करेंगे, गुरु ने कहा, मतंग ऋषि ने कहा, तो हमको भी गुरु ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा, लगे रहो कृपा मिलेगी। तो ये हम लोग क्या है ना, कलयुग के प्राणी पहले ही पूछते कब मिलेगी, कौन सी डेट पे मिलेगी, कितना करने के बाद मिलेगी, यहीं पे हम लोग मार्क्स खा जाते हैं, हमारा भक्ति यहीं पे खराब हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाते हैं, हम बनियागिरी करते हैं भगवान के साथ, कृपा के साथ बनियागिरी नहीं चलती। आप करते रहो और करना ही क्या बताओ, ये तो आपका ड्यूटी है, आपका धर्म है ना, भगवान की सेवा करना, हरि नाम करना, भागवत पढ़ना, भक्तों की सेवा, ये आपका धर्म है, लगे रहो। कृपा कब हो जाएगी पता नहीं। एक उदाहरण देते हैं, ठीक था उससे कुछ गलती नहीं होता, बोला ठीक है, ह्यूमिलिटी था, नम्रता से एक्सेप्ट कर लिया, जैसा आप, जैसा आपने बोला। अगले दिन फिर खेत जोत रहा है, तो शिव जी देखे बोले मूर्ख कहीं का आ गए, बोले तेरे को बोला ना कि नहीं होगी बारिश 13 साल तक, फिर क्यों खेत जोत रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। महादेव हैं, जब महादेव ने श्राप दिया तो फिर इंद्र क्या करेगा, इंद्र को एरिया छोड़ना पड़ेगा, बारिश नहीं आएगी। तो एक किसान ने कहा प्रभु आपने कहा 13 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, ठीक है
जो आप तो आपका वचन तो सत्य होगा ही, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं तो किसान हूं ना प्रभु, मैं तो अपना धर्म करूं कि नहीं करूं? मेरा तो धर्म है ना खेत जोतना, तो मैं तो वो करूंगा। मैं करूंगा क्या, मेरे पास तो कुछ काम धंधा है नहीं। अब यूट्यूब था नहीं उस समय, आज परेशानी यूट्यूब की है, आज परेशानी सोशल मीडिया की है, भक्तों के पास करने के लिए बहुत कुछ है भौतिक, तब नहीं था बेचारे के पास, मल्टीप्लेक्स भी नहीं थे, कहीं पार्टी भी नहीं जा सकता, वही छोटा सा घर था, पति पत्नी बच्चे रहते थे, गाय थी उनकी सेवा करता था, खेती करता। बोले प्रभु लेकिन मैं करूं क्या, ये तो मेरा धर्म है तो मुझे तो ये करना है ना। तो शिव जी प्रसन्न हो गए इससे, और इतने प्रसन्न हो गए तुरंत इंदिरा को बोले अब भी बारिश गिराओ इधर। तो कृपा का कोई डेट नहीं हो, कोई टाइम नहीं हो, और बरस जाती है। सामने वाला प्रसन्न होना चाहिए आपसे, तो आपका टारगेट कृष्ण की कृपा नहीं होनी चाहिए, आपका टारगेट कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए। हमारा टारगेट क्या होता है, कब मुझे कृपा मिलेगी, कब मुझे कृपा मिलेगी। अरे आप कृष्ण को प्रसन्न कर ही नहीं रहे हो तो कृपा कैसे मिलेगी आपको? आप अपना धर्म करो, कृष्ण अपना धर्म करना आपसे अच्छा जानते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है माता जी?